बिहार के छपरा के मुबारकपुर कांड में एक और युवक की मौत हो गई है। एक युवक की मौत के बाद दो अन्य युवकों का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद एक लड़के ने आज दम तोड़ दिया है। वहीं सारण जिले में अब इंटरनेट सेवाओं को पूर्णतः बंद करा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूँ यति आपके साथ। छपरा के मुबारकपुर कांड में घायल एक और युवक की मौत हो गई है। पटना के अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल कुमार की मौत हो गई है, जिसकी सूचना सारण पुलिस को दे दी गई है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि मुखिया पति के द्वारा बंधक बनाकर पिटाई करने के बाद एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दो युवकों को पटना में इलाज करवाया जा रहा था। वहीं इस प्रकरण से जिला का माहौल बिगड़ा है और फिलहाल वहाँ की सारी इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई है। मुबारकपुर में हुई हत्याकांड में अब तक दो युवकों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमितेश के बाद अब राहुल नाम के एक लड़के ने दम तोड़ दिया है। वहीं अमितेश के पिता ने CBI जांच की मांग कर दी है। पुलिस पर आरोप है कि प्राथमिकी के मुख्य आरोपित का ही नाम छोड़ दिया गया है। नामजद को मदद करने का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया है। बता दें कि हालत बिगड़ने के बाद अब एहतियातन जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद करवा दी गई हैं। ये सेवाएं 10 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं मुबारकपुर पंचायत में मंगलवार की सुबह से ही पुलिस गश्ती तेज है। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। SP भी मौके पर मौजूद दिखते हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक दर्जन से ज्यादा वीडियोग्राफर इस मामले में पल पल की गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं गांव में बाहर से आए लोगों के आने जाने पर कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि मुबारकपुर पंचायत के एक पोल्ट्री फार्म में बंद करके 3 युवकों को बेरहमी से पीटा गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तीनों को लोहे के रॉड, पाइप वगैरह से पीटा जा रहा था, जिससे तीनों की हालत गंभीर हो गई थी। एक युवक की मौत पूर्व में ही हो चुकी थी, जबकि दो युवकों को गंभीर हालत में पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावाज़। धन्यवाद।